प्रदेश के गोरखपुर रतन कॉलोनी में 16 वर्षीय भवानी यादव अपने मम्मी पापा के साथ रहती है और वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। मैं कंप्यूटर भी सीखने जाती हूँ और अभी तो मेरा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। अगर मैं घर में फ्री रहती हूँ ना तो मैं रंगोली और पेंटिंग बनाती रहती हूँ और मैं कभी कभी शाम को अपने घर में काम भी करवा लेती हूँ। ये काम आपने कैसे सीखा है? ये काम मैं जब मैं छोटी सी थी ना तो मेरी मम्मा ना मेरे को अपने मतलब मेरे पैर से पकड़ के काम सिखाती थी और मुझे पढ़ाई भी उन्हीं ने सिखाया करना, लिखना भी उन्हीं ने मेरे पैर में अंगूठे में पेंसिल पकड़वा के लिखवाती थी। मुझे कभी दुख नहीं होता कि मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ जो नॉर्मल रहते हैं, मैं उन्हीं की तरह हर काम कर लेती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ऐसी। आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दूसरे बच्चों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि कभी वो हिम्मत ना हारे और हमेशा आगे बढ़ते रहें। अगर वो मेरे जैसे हैं तो भी हिम्मत ना हारे, वो आगे बढ़ते रहें क्योंकि ये उनकी जैसे मेरी मम्मा ये हर काम सिखाती हैं, आप भी अपने बच्चों को हर एक काम सिखाएं। आप आगे अब क्या करना चाहती हैं? मैं अभी मैथ साइंस ली हूँ, मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे बच्चे जहाँ भी हों वो भवानी की तरह बने, हिम्मत न हारें, हमेशा नया सीखने का प्रयास करें और अपने सपनों को साकार करें। मैं सरोज परस्ते विकास खंड कुंडम जिला जबलपुर मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।